हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबीता किशन किचन। आज मैं आपके साथ मिलकर बहुत ही मज़ेदार लाल चुकंदर और टमाटर से कटलेट बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसके लिए मैं गरम कढ़ाई में एक टेबलस्पून रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, साथ में इसमें बारीक कटी हुई चॉप प्याज डाल रही हूँ। अब इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए इतने तक। और ये प्याज भून गया है। अब इसमें एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल रही हूँ, साथ ही इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ और आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको सबको मिक्स कर देंगे। टमाटर की प्यूरी नहीं डालनी है, छोटे छोटे टुकड़े में कट करके ही डालना है। अब इसको हल्का सा ऐसे मैश कर देंगे और ये टमाटर भी भुन गया है। अब मैंने एक चुकंदर लिया है लाल वाला, इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसको भी प्याज और टमाटर के साथ भून लेंगे। रेड बीट रूट बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसे ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। चुकंदर डालने से कटलेट का बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है इसमें। और ये भुन गया है। अब इसमें मैं तीन उबले हुए आलू है उसको अच्छे से मैश करके ले लिया है और इसको इस मिक्सचर में मिला देते हैं। आलू में कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए और इसको अच्छे से तोड़ते हुए हमें मिक्स करना है। कोई भी लम्स रहने से वो कटलेट अच्छी नहीं बनेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, साथ ही इसमें आधा चम्मच के करीब मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और एक कटोरी ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। तीन ब्रेड को मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया और ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया। ब्रेड क्रम्स डालने से मिक्सर में जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से सोख लेता है और जब हम कटलेट को फ्राई करते हैं तो वो तेल में बिखरता नहीं है। और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया डालने के बाद में इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे कटलेट का शेप देंगे। ये मिक्सचर ठंडे हो गए। ये मैंने तीन टोस्ट बिस्किट को मिक्सी में डाल के पीस लिया था, इसे कटलेट के ऊपर लगाएंगे। आप इसकी जगह सूजी भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा मिक्सचर को हाथ में लेकर के इस तरीके से रोल कर लेंगे। मैं इसे ओवल शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो अपने मनपसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरीके से। और बहुत ही सिंपल से बन जाता है ये। अब इसके ऊपर ये जो बिस्किट के क्रम्स है उसको अच्छे से कोटेट कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पीपन आ जाता है कटलेट में जब इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से सारे कटलेट आप तैयार कर लीजिएगा। आप भी इस कटलेट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। और ये सारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं, मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत ही गर्म तेल लिया है। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, तेल ठंडा होने से कटलेट को बिखरने का डर रहता है। और जब ये 80% तक फ्राई हो जाए तभी हम इसे छेड़ेंगे, बीच बीच में इसे छेड़ना नहीं है। अब इसे मैं थोड़ा सा पलट देती हूँ, अभी थोड़ा सा और सुनहरा करेंगे इसे। इस कटलेट को फ्राई होने में 10 मिनट का समय लग जाता है और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसे मैं पेपर नेपकिन में निकाल लेती हूँ। अब ये कटलेट बिल्कुल तैयार है। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।